Hi students, we are reading third chapter of English Communicative. Our third chapter is Journey by Night. In third chapter, we have completed 2.5 pages. Now we are going to read from next paragraph. आज उस चीज़ को कवर करेंगे जो वीडियो में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था. तो नेक्स्ट अगले पैराग्राफ से हम लोग शुरू करते हैं. सो बी केयरफुल एंड वॉच दिस वीडियो. फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो शेर सिंह गेदर्ड ग्रास. शेर सिंह ने इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा किया? ग्रास, घासों को इकट्ठा किया. एंड प्लांटिंग इन इट इन टू अ रोप, और उसको एक रोप में, एक रस्सी में क्या किया? प्लांटिंग कर दिया, बांध दिया. ठीक. टाइड इट राउंड हिज ब्रदर. टाइट बांधा. टाइट इट मीन्स बांधा. राउंड हिज ब्रदर, अपने भाई के चारों तरफ. एंड हिमसेल्फ, और खुद को भी, और स्वयं को और भाई को क्या किया? उस रस्सी से बांध दिया. और उसके बाद सो दे, ताकि वे वुड कीप टुगेदर, एक साथ रह सके. ठीक है, कीप टुगेदर, एक साथ रह सके. देन ही इंटर्ड द वाटर जस्ट एबव द ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर से इंटर द वाटर, वाटर में क्या किया? प्रवेश किया, अंदर की तरफ गया. ठीक है, नदी में अंदर की तरफ गया. द रिवर सीज देम, रिवर ने उन लोगों को सीज कर लिया था, ऐसा लग रहा है जैसे उनको रोक लिया हो. एंड फ्लैटेंड देम अगेंस्ट द रैक, और इस प्रकार से सीज कर लिया हो जैसे मलबे ने, रैक में होता है मलबा, ठीक है, जो नदी का मलबा है वो उनको क्या कर लिया हो? जकड़ लिया हो. अनेबल टू मूव एट फर्स्ट, पहले अनेबल टू मूव करने में असमर्थ थे, हिलने में मतलब आगे बढ़ने में पहले असमर्थ थे. ही एज फॉरवर्ड इन टू द मेल स्टॉर्म. ही एज फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ बढ़े. इन टू द मेल स्टॉर्म मतलब जहाँ पे पानी किसी का सबसे ऊँची होती है, वहाँ उसमें वह आगे की तरफ बढ़ा. फीलिंग फॉर द स्प्लिट इंड्स ऑफ बम्बू, जो पूल में बम्बू थी उसको क्या हुआ? फीलिंग फॉर द स्प्लिट इंड ऑफ बम्बू. स्प्लिट इंड मतलब बम्बू के टूटे हुए पार्ट को, विभाजित हुए भाग को फीलिंग, वो फील कर रहे थे अपने पैरों से. ठीक है. द डेलीग्यू डिफेंडेड हिम, और डेलीग्यू डिफेंड मीन्स वो क्या हो गए थे? बहरे हो गए थे, मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इतनी परेशानियाँ थी, पानी के एकदम बीचों बीच में डूब कर जा रहा था, तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. टिम्बर बैंक्ड, टिम्बर मीन्स लकड़ी का टुकड़ा, बैंक टक्कर मारता है. एंड ब्रस्ट हिम, और उसे चोट पहुँचाता है. इट वॉज सो कोल्ड, बहुत क्या थी, पानी में ठंडी थी, नमी थी. दैट ही कुड हार्डली कीप हिज होल्ड, फिर भी वो क्या किया था? हार्डली कीप हिज होल्ड, उसको क्या किया था? कीप, रखे हुआ था, पकड़े हुआ था. हिज होल्ड, उसको बहुत ही पकड़े हुआ था, भले ही पानी बहुत ठंडी थी, इतनी सारी समस्याएं आ रही थी, फिर भी शेर सिंह ने कुंवर को क्या किया था? हार्डली कीप हिज होल्ड, उसको पकड़े हुआ था. ही कुड नॉट गेट हिज ब्रेथ इन द स्प्रे. ही कुड नॉट गेट, वह कुड नॉट गेट, नहीं ले सकता था हिज ब्रेथ, अपनी सांसों को इन द स्प्रे, बार बार. ठीक है, वो अपने सांसों को बार बार नहीं ले सकता था. एंड ही डिड नॉट नो इफ हिज ब्रदर लाइव आर डेड. एंड ही डिड नॉट नो, और वह नहीं जानता था कि हिज ब्रदर, उसका भाई, लिव्ड, जी रहा है, आर डाइड, या मर गया है. ठीक है. बट ही कीप्ड द चाइल्ड्स हेड एबव वाटर. बट लेकिन ही कीप्ड, उसने रखा था द चाइल्ड्स हेड, बच्चे का सर, ठीक है, कुंवर सिंह का सर, एबव द वाटर, पानी के ऊपर. ठीक है, लेकिन उसने कुंवर सिंह का सर जो है कि पानी के ऊपर रखा था. एंड मूव स्लोली, और धीरे धीरे बढ़ रहा था.
गैस्पिंग इन मॉर्टल स्ट्रगल हाँपते हुए ही वॉज डिफेंड एंड ऐसा लग रहा था डिफेंड बहरा सा हो गया है, ब्लाइंडेड अंधा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है, फ्रोजन जम गया हो, ड्राउन वह डूब रहा हो, ठीक है। ग्रेजुअली द रिवर सीम टू लॉस पावर, और वह द रिवर सीम और नदी ऐसा लग रही थी लॉस पावर, उस वो अपनी पावर को क्या कर रही है, कम कर रही है धीरे धीरे। देवर थ्रू आफ्टर दैट शेर सिंह डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड, उसके बाद शेर सिंह नहीं जानता क्या हुआ उसके साथ। ही वॉज वेट बहुत भीगा था एंड आइस कोल्ड बहुत पानी की ठंडी की वजह से आइस कोल्ड हो गया था, उस बहुत उसके अंदर आइस कोल्ड हो गया मतलब वो ठंडक सी हो गई थी उसकी बॉडी। बट ही स्टंबल्ड ऑन, लेकिन आगे बढ़ता रहा। हिज नीज बेंड, उसके घुटने बेंड हो गए थे, झुक गए थे एंड ट्रम्बलिंग और कांप रहे थे। दे गेव वे, लेकिन फिर भी वो रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। ही वॉज क्राउलिंग, वह बहुत हाँप रहा था, कांप रहा था। देन देयर वॉज रोड, फिर उसको एक रोड दिखाई देता है एंड एप ऑफ पीडॉक्स और एप ऑफ झुंड, पीडॉक्स की झुंड दिखाई देती है। हर्डलिंग अ विलेज, और एक गांव की शुरुआत होती है, उसको एक गांव नज़र आता है, ठीक है। सडनली somehow people after that the next he knew they were in a bullet cart, और उसके बाद उसको पता चलता है कि वो बुलेट कार्ट में है, बैलगाड़ी में है। देन अ ट्रक, उसके बाद वो एक ट्रक में है। वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय, समोन आर्ट, किसी ने उससे पूछा वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय, लड़के तुम कहाँ से आए हो। लालवनी, शेर सिंह रिप्लाई, शेर सिंह बताता है कि मैं लालवनी से आया हूँ। उसके बाद क्या होता है, आगे पढ़ते हम लोग। यू कैरीड हिम अलोन, तुम इसको अकेले लाए हो। अक्रॉस द रिवर फ्लड, और इस नदी के बाढ़ को पार करके तुम क्या इसे अकेले लाए हो। द मैन अमेज्ड, और जो आदमी पूछता है वो क्या होता है, अमेज्ड हो जाता है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, इतना छोटा सा बच्चा इतने नदी के बाढ़ में वो उसको क्रॉस करके अकेले कैसे लेके आया है। दे वर एट हॉस्पिटल, और वो सब वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। शेर सिंह फेल्ड साई ऑफ द बिग बिल्डिंग, और जो हॉस्पिटल था वो क्या था, बहुत बड़ा बिल्डिंग था। तो शेर सिंह महसूस करता है साई, बहुत ही सर्व महसूस करता है फ्रंट ऑफ द बिग बिल्डिंग, उस बिग बिल्डिंग के सामने अपने आप को बहुत सर्व महसूस करता है। ही डिड नॉट गो, वह अंदर नहीं जाता है। इन मच लेटर, और बाद में द डॉक्टर केम आउट ऑन द बरामदा, एंड डॉक्टर क्या होते हैं, बाहर आते हैं, बरामदा की तरफ आते हैं। शेर सिंह बहादुर, आर यू देयर, शेर सिंह बहादुर क्या आप यहाँ हैं। ही कॉल्ड आउट, डॉक्टर आके पूछते हैं शेर सिंह बहादुर क्या आप यहाँ हैं। माई फादर इज नॉट हेयर, रिप्लाइड बॉय गोइंग अप टू बरामदा, ठीक है। तो वो जो शेर सिंह था वो जाके बोलता है बरामदा के पास कि माई फादर इज नॉट हेयर, मेरे पिताजी यहाँ नहीं है। बट आई एम शेर सिंह, लेकिन मैं क्या हूँ, शेर सिंह हूँ। यू आर द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड कुंवर इन फ्रॉम लाडवानी, तो जो डॉक्टर है वो पूछता है यू आर द बॉय, क्या तुम वो लड़के हो जिसने ब्रॉट द चाइल्ड कुंवर, कुंवर को यहाँ लाडवानी से लाया है। यस, तो वो बोलता है शेर सिंह यस, हाँ। फिर देन अ स्माइल ब्रोक ऑल ओवर द डॉक्टर्स ग्रेट जेंटल फेस, और जो डॉक्टरों के चेहरे पे, जेंटल चेहरे पे सज्जनता से एक मुस्कान दिखाई देती है। देन यू आर शेर सिंह बहादुर, तब तुम ही क्या हो, शेर सिंह बहादुर हो, द ब्रेव बहादुर। ही सेड, उन्होंने कहा योर ब्रदर विल लाइव, आपका भाई
जीता रहेगा। कमेंट सी आओ और देखो, आपका भाई ठीक है, आओ और देखो, ठीक है। तो दिस इज़ योर चैप्टर 3rd हैज़ कम्प्लीटेड, सो रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू